आप ऐसा सोचिए कि आप किसी बर्थडे पार्टी में जाइए और बर्थडे पार्टी में जाने के बाद उधर केक कट रहा हो और आप इधर चिल्ला चिल्ला के बोलिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, भगा देगा, एकदम भगा देगा। गुस्सा तो इतना आएगा कि आपको काट के वहीं पर दफना देगा। क्यों? उधर केक कट रहा है, आप राम नाम सत्य बोलिएगा। चलिए छोड़िए बर्थडे की बात है, आप शादी में जाइए और लड़का और लड़की उधर साथ फेरा ले रहा हो और आप इधर चिल्ला के बोलिए राम नाम सत्य है, आप लड़का का बहनोई काहे नहीं हो, भगा देगा, उस घर से भगा देगा, घुसने नहीं देगा वो घर। ये है इंसान जी, ये है इंसान की असलियत। लेकिन बोलता कब है वो इंसान राम नाम सत्य है? जब कोई मर जाता है तब बोलेगा मरे हुए व्यक्ति को जिंदा लोग राम नाम सत्य है। अरे बुड़बक, वो तो मर चुका है, राम नाम सत्य उसको तुम क्यों सुना रहे? वो सुन नहीं रहा, तुमको जानना जरूरी है कि राम नाम सत्य है और सबका यही गत है, ये तुमको जीते जीत जानना है। जो इंसान इंसानियत के जो दुश्मन फिर रहे ना समाज में, आपको जानना है कि राम नाम सत्य है, क्योंकि राम नाम तो सत्य थे है और राम नाम सत्य रहेंगे। आज के इंसान की सच्चाई आपको बताता हूं दोस्तों, घर में अगर आपका सांप मिल जाए, दिख जाए, आप उसको मार दीजिएगा और आप वही सांप के देवता को, पत्थर की बनी मूर्ति को आप इतना दूध लेके जाइएगा कि नाग देवता पीजिए। तो ये है इंसान की सच्चाई। जीते जी किसी को इज्जत नहीं है, मरने के बाद सब बहुत फलनवा बहुत बढ़िया था, लेकिन तुम मर जाओ तुम्हारा दुश्मन भी कहेगा बहुत बढ़िया दुश्मन था बेचारा। तो इसीलिए इंसान इंसानियत का ही दुश्मन है। तो समय रहते समझना चाहिए, वो नहीं समझता है, और जो समय चल जाता है पछतावा करता है। कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावत का करी। तो राम नाम सत्य है, हमको नहीं लगता है कि राम नाम सत्य कहने में कहीं भी हमको बुराई है, कहीं भी कहने से हमको कह सकते हैं। ये इंसान का गंदी मानसिकता, इसको निकालना पड़ेगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो नए विचार के साथ।